एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑटोगर्ल। मेरा नाम है रवनीत एंड आज है हमारे पास ग्रैंड विटारा। आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी लोगों के क्वेश्चन, बहुत सारे इवन लोगों के क्वेश्चन थे कि इसकी सेफ्टी क्या है। इसकी सेफ्टी तो जीरो होगी क्योंकि मारुति की गाड़ी है, इसकी सेफ्टी बताओ, इसकी सेफ्टी रेटिंग्स क्या होगी। सो आज इस वीडियो में वो पूरे टॉपिक कवर करूंगी सेफ्टी के बारे में, कि आपको बेस में के सेफ्टी फीचर्स मिल जाती हैं, क्या सेफ्टी रेटिंग्स मिलती है और टॉप मॉडल में आपको कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी इसकी सेफ्टी रेटिंग से। जो इसका बेस मॉडल है ना, उसको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो कन्फर्म मिलने वाली है। वो मुझे कैसे पता, ना ही ये गाड़ी अभी तक लॉन्च हुई है, ना ही इसका क्रैश टेस्ट हुआ है, बट मुझे कैसे पता, और मैं आपको बताती हूँ। ये गाड़ी ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। यही जो प्लेटफॉर्म है जो पहले वाली ब्रेजा आती थी उसमें यूज़ किया गया है, और जो अब वाली ब्रेजा ना उसमें भी सेम ही प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है, जो कि उसको ग्लोबल एनकैप की तरफ से क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसका जो प्लेटफॉर्म सेम है और रेटिंग्स कम हो जाए, तो डेफिनेटली इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है ना, 4 तो कंफर्म होने वाली है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि 4 से प्लस और 4.5 भी हो सकती है। अब जो मैंने आपको इसकी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग बताई है, जो कि ब्रेजा के बेस मॉडल को मिली है, तो इसके बेस मॉडल को भी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलेगी। तो इसके बेस मॉडल में क्या क्या सेफ्टी फीचर्स आते हैं मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिस्ट भी लगा देती हूँ। ABS प्लस EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एंड हिल होल्ड असिस्ट, ड्यूल एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड सीट बेल्ट प्रोटेंशनर जैसे फीचर्स भी आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इसकी ब्रेकिंग। अब इसमें आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक एज स्टैंडर्ड बेस से ही मिलना शुरू हो जाता है ना, अमेजिंग बात। मतलब कि आपकी जो ब्रेकिंग का एक्सपीरियंस है ना, काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो जाता है डिस्क ब्रेक के कारण। हालांकि ग्लोबल एनकैप की तरफ से जो ब्रेजा क्रैश टेस्ट करी गई थी उसमें जो ब्रेकिंग थी ना, फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम थी, बट इसमें आपको चारों में ही, चारों व्हील्स में ही डिस्क ब्रेक मिल जाती है। यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की इंसुलेशन मिल जाती है, जिससे ये इंजन को हीट से बचाता है जब वो ऊपर से पड़ती है। इवन जो इंजन की हीट है वो उसको बोनट को बचाता है। अब इसकी वजह से जो NVH लेवल है ना, वो भी आपको कम काफ़ी सुनाई देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको हुड की क्वालिटी बता देती हूँ। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये काफ़ी हैवी है। ऐसा नहीं है कि मतलब पतली शीट का यूज़ किया गया है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। आपको मैं दिखा देती हूँ, आप सुन सकते हैं कि इसकी जो आवाज़ है कितनी भारी आई है, यहाँ पे आप देख रहे होगे। तो इसमें जो मेटल यूज़ किया गया है ना, बहुत ही बढ़िया यूज़ किया गया है। बेस मॉडल में आपको 3-पॉइंट सीट बेल्ट एंड एसिफिक फिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स भी ऑफर किए जाते हैं। ये तो मैंने बता दिए बेस मॉडल की सेफ्टी फीचर्स, बट अगर आप टॉप लेते हो तो उसमें आपको एडिशनली और फीचर्स मिल जाते हैं, इसकी जो सेफ्टी है वो भी बढ़ जाती है। इसमें आपको एडिशनली 6 एयरबैग्स ड्यूअल एयरबैग की जगह एंड ऑफकोर्स 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, इसकी क्वालिटी आपको बहुत ही क्रिस्प कलर मिल जाती है। अब ये सेफ्टी फीचर तो है, बट कई गाड़ियों में आपने देखा होगा जिसकी क्वालिटी है ना, वो इतनी बढ़िया नहीं है, बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर फीचर दिया है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी सेम फीचर आपको बेस मॉडल में मिल जाते हैं, जैसे ABS प्लस EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स, यहाँ पे 3-पॉइंट सीट्स आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट में लगा देती हूँ टॉप मॉडल के सेफ्टी फीचर्स की। अब हम चेक करते हैं अंदर की क्वालिटी। हालांकि यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, बट क्वालिटी आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाती है। एंड यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल भी आपको देखने को मिलेगा। एंड जो इसकी बटन्स की क्वालिटी है ना, तो वो भी आपको, हालांकि ये AC वेंट्स वाली, ये थोड़ी ठीक ठाक है। मैं इतना ये नहीं कहूँगी कि ये भी बहुत बढ़िया है या कुछ है, तो ये ठीक ठाक आपको मिल जाती है बेसिक, जैसे मारुति की और भी कार है, जैसे बलिनो वगैरह में भी आपको उनकी क्वालिटी सेम मिल जाती है। ओवरऑल मैं बात करूँ, इंटीरियर में आप नंबर देना चाहो ना 10 में से, तो आप यहाँ पे 6 to 7 नंबर दे सकते हो क्वालिटी में, बट बिलो 5 नहीं। ठीक ठाक आपको जितनी चाहिए वैसी क्वालिटी मिल जाती है। बट हाँ, जो सीट्स की क्वालिटी ना, वो आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है, काफ़ी कुशनी। जो लेदर की क्वालिटी है वो आपको बढ़िया मिल जाती है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी। तो कंक्लूजन आपके सामने है, ये मारुति की तरफ से वन ऑफ द सेफेस्ट कार ऑफ मारुति ब्रांड है। अब
इसमें आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, आपके सामने हैं। तो मैंने आई होप आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका आंसर ज़रूर करूंगी। सो ये थी मेरी तरफ से वीडियो ऑन ग्रैंड विटारा सेफ्टी फीचर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें।